बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। अब उनका लेटेस्ट ट्वीट चर्चा में आ गया है। दरअसल मुंबई मेट्रो में कुछ लोग भजन कर रहे हैं और जय श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पूजा भट्ट ने मुंबई मेट्रो के इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन लोगों की आलोचना की है। इसके बाद पूजा भट्ट को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि मेट्रो के अंदर फर्श पर लोग बैठे नजर आ रहे हैं। ये लोग भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा और कुछ और भजन गा रहे हैं। इस वीडियो पर लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, पब्लिक प्लेस पर इसकी कैसे इजाजत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये हिंदुत्व पॉप क्रिसमस कैरोल है, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर या कुछ भी है। किसी भी हाल में सार्वजनिक स्थानों का इस तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कैसे और क्यों अथॉरिटी ने इसकी इजाजत दी? पूजा भट्ट ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, अगर हम बुनियादी नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कानून और व्यवस्था के सही मायने में बने रहने की कोई उम्मीद नहीं है। शहर को अपवित्र करने वाले सभी राजनीतिक दलों के अवैध होर्डिंग्स, मेट्रो को पार्टी क्षेत्र में बदला जा रहा है। हमलावरों द्वारा कवर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखे सड़क के बीच में जलाए जा रहे हैं। पूजा को इन ट्वीट के बाद जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।